अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू रेसिपीज़ अलर्ट। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी शाहजहानी कढ़ी पकौड़ा। तो उसके लिए प्याज लेंगे आप चॉप किया हुआ एक प्याली, टमाटर और ग्रीन चिली का पेस्ट लेंगे आधी प्याली, ग्रीन चिली आप 4 से 5 ले लें। अजवाइन लेंगे आप 1 टीस्पून, कूटा हुआ खुश्क धनिया लेंगे 1.5 खाने का चम्मच, मेथरे लेंगे आप 1 टीस्पून, कलौंजी लेंगे 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 1.5 खाने का चम्मच, राई दाना लेंगे हम इसके लिए 1 टीस्पून। राई दाना मेथरे और कलौंजी से खुशबू अच्छी आएगी। कुटी हुई मिर्च लेंगे हम सुर्ख 1 टीस्पून। कढ़ी के लिए हल्दी ली है हमने 1/2 टीस्पून, नमक लिया है 1.5 खाने का चम्मच, मिर्च ली है 1.5 खाने का चम्मच। पकौड़ों के लिए हम मसाला अलग-अलग से तैयार करेंगे। उसके लिए पालक ली है मैंने फ्रोज़न, ये 1.5 पाव पालक है। आलू लेंगे हम बारीक कटे हुए 1.5 पाव, बारीक काट लें आप इन्हें, किसी भी शेप में काट सकते हैं। खुश्क धनिया लेंगे आप 1.5 खाने का चम्मच, कटी हुई ग्रीन चिली लेंगे आप 4 से 5, सुर्ख मिर्च लेंगे 2 चम्मच, नमक लेंगे आप 1.5 खाने का चम्मच। पकौड़ों के लिए आप पालक में आधी प्याली प्याज भी ऐड कर लें, मैंने बारीक काट के इसी में शामिल कर लिया है। दही हम लेंगे इसके लिए 1 किलो और इसे अच्छी तरह फेंट लें, जैसे मैंने फेंट लिया है। साबुत मिर्च लेंगे हम तड़के के लिए 6 से 7 और साबुत ज़ीरा लेंगे हम 1 खाने का चम्मच। तो सबसे पहले आप दही में 1.5 प्याली बेसन ऐड करें, उसे अच्छी तरह मिक्स करें। ये मैं आधी प्याली इसमें और ऐड कर रही हूँ, अच्छी तरह इसे बीटर की मदद से मिक्स कर लें। पानी आप इसमें डालेंगे 1.5 ग्लास, सबसे पहले गरम ऑयल में आप कलौंजी, मेथरे और राई दाना डाल के इसे 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। जब इसकी हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज डाल के फ्राई करेंगे। इससे कढ़ी की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम इसमें प्याज डाल के इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारी थोड़ी गोल्डन हो चुकी है, अब आप इसमें 1.5 चम्मच 1.5 खाने का चम्मच जो हमने अदरक लहसुन रखा था वो डाल के आप इसे अच्छी तरह भून लें। 2 से 3 मिनट भूने, फिर आप इसमें टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाल के इसे मज़ीद 2-3 मिनट भून लें। अभी मैं इसमें सुर्ख मिर्च, हल्दी और नमक डाला मैंने। टमाटर और हरी मिर्च हमारी अच्छी तरह भुन चुकी है। मसाले डाल के आप इसे मज़ीद 4 से 5 मिनट आप इस प्याज को फ्राई करेंगे, जब तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। जी नाज़रीन, ये कढ़ी का मसाला हमारा भुन चुका है। इसमें अब हम बेसन मिला जो दही है वो डाल के इसे अच्छी तरह पकाएंगे। इस कढ़ी को अब हम ढक के 45 से 50 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए पकाएंगे। इसके ऊपर आप पिसा हुआ जो है हमारा खुश्क धनिया जो हमने कूट के रखा हुआ था वो डालेंगे हम। अब आप इसे ढक के रखते 1/2 कढ़ी की आंच इंतहाई हल्की रखें। 1 बाउल में हम देंगे कटे हुए आलू, इसमें हम पालक और प्याज ऐड करेंगे।
पकोड़ों का मसाला तैयार करने के लिए जो हमने मिर्च, नमक और ग्रीन चिली और ये साबुत खुश्क धनिया रखा था ये डालेंगे और इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अजवाइन डालेंगे आप इसमें 1 टीस्पून, इससे पकौड़ों की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। बेसन डालेंगे हम इसमें 1.5 प्याली, इसे आप चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करें। पानी आप इसमें बिल्कुल कम इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल 2 घूंट पानी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पालक हमारी फ्रोज़न है तो पालक वैसे भी पकोड़ों में जाती है तो हमेशा पानी छोड़ती है। पालक को आप जब भी पकाएंगे तो वो पानी छोड़ेगी, तो जब आप खुद ही मिक्सर में इतना पानी डाल देते हैं पकोड़ों का मिक्सर तैयार करते हुए तो बाद में वो जो मिक्सर है ढीला पड़ जाता है और पकौड़े हमारे क्रिस्पी नहीं बनते, तो इसलिए मैंने पानी इंतहाई कम इस्तेमाल किया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। चम्मच की मदद से आप इसमें पकौड़े डालें और इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई करें, जब ये गोल्डन हो जाए तो आप इन्हें निकाल लें। जी पकौड़े हमारे गोल्डन हो चुके हैं, अब आप इसे एक सर्विंग डिश में किचन टॉवल बिछा के उस पर हम पकौड़े निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे पकौड़े बनाते जाएंगे। ये देखें बेसन बिल्कुल भी ढीला नहीं हुआ, पानी कम से कम हम इस्तेमाल करें हमेशा पकौड़ों के मिक्सचर में, उससे पकौड़े हमेशा आपके क्रिस्पी रेडी होंगे। ये देखें पकौड़े हमारे बिल्कुल तैयार हैं, अब हम कढ़ी के लिए तड़का तैयार करेंगे। कढ़ाही में आप ऑयल लें, इसमें 1.5 चम्मच साबुत ज़ीरा और ये साबुत मिर्चें जो हमने 8-10 रखी हुई ये डाल के हम 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करेंगे और फिर इसे कढ़ी में डाल देंगे। कढ़ी को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं तकरीबन, मज़ीद आप इसे आधा घंटा 35 मिनट ढक के पकने दें जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे। जी नाज़रीन ये देखें कढ़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छा कलर आया है। अब आप इसमें पकौड़े डालें और 5 मिनट बाद इसे सर्विंग डिश में निकालें। जी नाज़रीन ये हमारी शाहजहानी कढ़ी पकौड़ा रेडी है। गार्निश के लिए आप इसके ऊपर कुछ खुश्क धनिया या पिसा हुआ गर्म मसाला डाल के सर्व करें।